ஆமாஸ்டர் تاني کچھ پبلک کے تو ہوں دولائن سنا دا ہم ہی سنا دیتا نہیں ہو ہو واہ سور دیکھی ستار مت دیکھی آئی روپ دیکھی سنار مت دیکھی واہ شريه غايل باهو غويا لوك تايم لات جوتا يا بجار مت دري اي بفر سيستم هاي پنا بابو كي بفر سيستم هاي سرما جي ان میاں باب ہم چمار مت دیکھی چوبیس فروری کو روی داس جینتی ہے روی داس سے بڑا کوئی سنت نہیں ہوا ایسے ہی سنت شرومنی نہیں کہلائے بابا उस जमाने में जब हम शूद्रों का छूना कोई पसंद नहीं करता गले में हाड़ियां कमर में झाड़ू बांधे जाते थे जब हमारा थूक जमीन पर गिर जाता था इनकी जमीन अशुद्ध हो जाती थी वैसे समय में रविदास संत शिरोमणि कहलाए कितनी परीक्षा से गुजरना होगा गुजरना पड़ा होगा धन्यवाद देते हैं कम से कम उस समय के कुछ हमारे इतिहासकार रहे हालांकि हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं थे इतिहास तो इन्हीं लोगों ने लिखा लेकिन सत्य कितना छिपाएंगे चार लाइन भाव है अनुपमीय गोचर मास्टर हमारा मन कर रहा है कि नए लोगों को आज नए ढंग से भूमिका सुनाएं अनुपमीय गोचर नहीं जिस कायालय बसाता नहीं वो बेईमान को محبت تو ہے صرف اس کی ہی دولت چاہے خرید لو دے بھگوان کو پربھو کو کیول پریم چاہیے بھولا کو کیول بھاو چاہیے मैं इस राम के बाराम की बात नहीं करता जो आज अयोध्या में आए हैं बोल रहे हैं लोग कि अयोध्या में आने वाले हैं लगता है कि राम विदेश में चले गए थे 22 तारीख को आ गए मैं उस राम की बात कर रहा हूं उस भगवान की बात कर रहा हूं جو سرشتی کو چلا رہا ہے جو رام کو بھی پیدا کیا ہے وہ قدرت ہے اسے کیول پریم چاہیے جو پریم دیا وہ خرید لیا دھیان دیں انپم اگوچر نہیں جس کا یالے بساتا نہیں وہ بے ایمان کو محبت تو ہے صرف اس کی دولت چاہے خرید لو دے بھگوان کو چام تو نہیں کا
काम है उसको प्यारा, वाह समझ पाए उसको कुछ बिरले ही ज्ञानी। तोड़ कर या डंबर सामाजिक परिवर्तन, रविदास सा कोई मिलता नशानी। मेरे प्यारे विरह के साथियों, विरह में एक गजल है, मुझे घेर लेते बाहों के साए, अब मुझे घेर लेते ये बाहों के साए, ये दिल और आज का समय नहीं था मेरे दोस्तों, समय कौन था। समय चक्र को बाहर ला ला, हो 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 हो, समय चक्र को साथियों जिसने जाना, समय कौन था। ओहो धीरा था भारत देश, आडंबर के अंत से काशी करवटी हो रही उनके आतंक से, टीका त्रिपुंड ब्राह्मणवाद छाया था, लेकर काशी अंदर अब अंधकार आया, मगर रघुराम ने एक ऐसा सूरज पेश किया, जिसने भक्ति में लहर देकर ऐसा रेस किया, जाति चमार नाम, जाति चमार नाम, नाम का रविदास रहा। वतन का तो फिर नाश रहा, समय चक्र को हो हो आ हो, समय चक्र को साथियों जिसने जाना, समय चक्र को
ऐसे समय में हमारे रविदास जी का पिता का नाम रघु था, रघुराम चमार जाति में पैदा हुए। आज ये दुर्दशा है, उस समय हमारे पुरखों की क्या दुर्दशा हुई होगी। लेकिन संकल्प ले लिए रविदास जी, आडंबर का पर्दाफाश करूंगा। ये पंडा पुजारी जो पाखंड बना करके, इनमें कोई शक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं, 18 दिन पर नहाते हैं, खाली खजवट से भरे हैं। हमारे लोग इनके पाखंड में ठगते चले जा रहे हैं। इनको बताऊंगा कि भक्ति क्या होती है। तर्जबा कौन मास्टर तनी बढ़ा के, क्या गजब धूमी थी पहले की। हो पन्ना लाल शर्मा जी, एक पत्नी का पति शराबी है, अक्खी से अदा से कह रही है, थोड़ा भी अश्लील नहीं है। उस पत्नी की बात जो पति को कही गई, अगर पति सुन लेगा, किसी का और शराबी रहेगा तो शराब पीने की आदत छोड़ देगा। कह रही है, कहत बाड़ी भारत के जननवा हो, कहत बाड़ी भारत के जननवा हो, सजनवा कह रही है, बोर्ड भर का लड़का हुए खैला भी न चलता, जी ही नहीं पाऊछे तो हलस्ता नवा के गहनवा हो, बेची भी हलस्ता नवा के गहनवा हो, सजनवा लेकिन क्या समय था, छुआछूत घरल बा नगरिया हो, सबसे बड़ी पाखंडवादी नगरी काशी नगरी बनारस, छुआछूत घरल बा नगरिया हो, रोवे ले पावन कैसे के जाई बीमरिया हो, कैसे के जाई बीमरिया हो, ले पावन धरतिया, कैसे के जाई बीमरिया हो, ले पावन धरतिया, कैसे के जाई बीमरिया हो, ले पावन धरतिया। रविदास जाति के चमार बरण बाद में,
रविदास जी ने भक्ति चालू किया, ऐसी शक्ति आई, तमाम करिश्मा करने लगे। आज बनारस के पंडा परेशान, हम लोगों की भक्ति का, हम लोगों के पाखंड का, हम लोगों के आडंबरवाद का क्या होगा। ये जात का चमार रविदास, ये शूद्र की औलाद, तो हम लोगों को टिकने नहीं देगा। लगता है कि तब तक काशी नरेश सुने कि एक बहुत बड़ा संत बनारस में रहता है, रविदास नाम है, बड़े उनके करिश्मे सुने थे कि उन्होंने चाम की कठौती में गंगा को ले आकर के पैदा कर दिया। क्यों न हम बुलाएं और प्रेम से बुलाएं, सोहरत को पाए काशी राज बुलवाए, हाथोरी धैले उपयरिया हो, हाथ जोरी धैले उपयरिया हो, रविदास को बुलाए काशी नरेश, अपने जमीन पर उनको सिंहासन पर बैठाए, कहे अरे महाराज आप राजा हैं, कहे ऐसे कई राजा मिल करके आपकी बराबरी नहीं कर सकते प्रभु रविदास जी, आप आसन पर बैठिए, पैर धोए उनके चरणामृत को। वह काशी नरेश अपने हृदय के अंदर पूरे शरीर में लेकर के चले गए कि आज मेरा शरीर शुद्ध हो गया। और उन्होंने रविदास से कहा, तर्ज कौन बाबा सर, ये हमारी जमाना का दुनिया हो नया लोग, एक नौकीना लोग पाई पनिया में अगिया अगिया में पनिया, पनिया में अगिया लगा लसी हो गोरी कोहरी पन्ना लाल, दिल लगे दीवार से तो परी किस काम की। हम ड्राइवर बानी रानी मान बतिया, हम ड्राइवर बानी रानी मान बतिया रे बतिया, गाड़ी को हैंडल भरा वाह काशी नरेश की क्या महानता है। हाथ जोड़ करके रविदास से उन्होंने कहा, आइल बानी तोहरी शरणिया शरणिया हो 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 हो, आइल बानी तोहरी शरणिया हो मोरे भाग्य विधाता,
कर हमारी मगनिया हो मोरे भाग्य विधारा। हे प्रभु आप ही मेरे भाग्य के लिखने वाले हैं। काशी में बाटे आडंबर का मेला हम चाहत बानी बनल राउर चेला हथावा से दे गए वो मनिया हो मोरे भाग्य विधारा हमारी बदल जाई दुनिया हो मोरे भाग्य विधारा। प्रभु हमें चेला बना लीजिए। काशी में पंडों ने पाखंड को उतार दिया है, भला आप दर्शन दे दिए हमें चेला बना लीजिए। रविदास ने बड़े प्रेम से कहा राजा अरे बड़े बड़े पंडित हैं उनका चेला बन जाइए, हमारा चेला बनेंगे तो सुन लीजिए। हम बानी अछूत हम बानी अछूत भूत जाति का चमार हो तू बाबा काशी नरेश सरकार हो का कही है तोह के पुरनिया हो मोरे भाग्य विधान जब कर बच्चा मार के पूजे लिया हो मोरे प्रभु हमको चेला बना लीजिए। उन्होंने कहा मैं जात का चमार हूं राजा, क्या लोग कहेंगे, कहे छोड़िए दुनिया कहती रहे अब मुझे असली संत मिल गया, अब आप का शिष्य बन के ही रहूंगा, जरा मैं गंगा में स्नान करके आता हूं। राजा ने कहा कहे कि जब चेला ही बन गए राजा जी तो गंगा में जाने की क्या जरूरत है, गंगा यहीं दौड़ के आ जाए। तर्ज कौन होगा हो मास्टर तनी हरी धुन सुनाओ भाई लोग कि अरे करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ अरे वो चुम्मा दे ले भैया हो करे जाओ यही के लोग गांव में हो मनीष कि सोने का जवानी हमारी माटी में मिला वो तू कामुआ भेजे कही के गईल चिट्ठी ना पछावता जन्म का मन हमारा से झुकावत कमुआवत बा
گنگا میں جانے کی ضرورت نہیں کاسی نریش راجا جی آپ کی جب اتنی بھکتی ہے ہمارے پرتی اور جب ہمارے پرتی ہے تو کرم کے پرتی ہے او کرم دنیا کا میں جس کا رہے گا دنیا میں کوئی ساتھ نہیں تو آپ کا کام آپ کا ساتھی بن کر کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا گنگا دوڑ کے آئے گی ہوا کیا ارے پانی گنگا کا کٹوتی پیچھے آئی گا چیلا بنائے ربی داس جی نریش کو گنگا کا پانی آیا چام کی کٹوتی میں یا کیا نرمل جل کیا پویتر جل راجا سنان کیے چیلا بنائے روی داس جی اور چیلا بنانے کا جب یہ کارکرم پورا ہوا سارے پنڈا پجاری جتنے تھے اتنے میرے ساتھیوں हल्ला मच गया कि वारे का सीधे रस्तु में तो डुबा दिया क्या डुबा दिया तरजू है बा कौन सुन बा मास्टर बजाओ ओके بنارس کے اندر پوری دنیا میں کہ کاشی نریش ربی دسا کا چیلا بھائل ہلو ہو گئی لے آج کاشی کی نگریا कितने बनारस में पंडा पुजारी सब बटुराए पंडा आए रामनगर किला Bye.
खिलाने। अरे काशीनगर तूने तो शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी को अपने आप पवित्र कर दिया, जाकर चमार का चेला बन गए। क्या गुण है उस चमार रविदास ने कहा, राजा खामोश पंडों बहुत हुआ। कहे सब की अंगुली मत दिखाइए राजा जी, अरे बताइए तेरे रविदास में क्या है। कहा जानने जानना चाहते हो पंडा पाखंडियों, मेरे गुरु रविदास के बारे में चार लाइन कहा विरह से हट के कवि ने लिखा है। क्या राजा ने कहा रविदास के लिए अपने गुरु के प्रति पंडों से तर्ज एक फिल्म का गजल बा कौन बा मास्टर। तरज तो वही है शर्मा जी, दिल लूटन वाले, दिल लूटन वाले जादूगर अब मैं तुम्हें पहचाना है। पंडो समझ पाओ तो समझ लो, वरना तेरे समझ से बाहर की चीज है मेरा गुरु। गुरु के बारे में पूछते हो सुनो, जिसने है बनाया दुनिया को, मेरा गुरु भगवान है रे पंडो। जहान को बनाया है, तुमको बनाया है, हमको बनाया है, पूरी कुदरत हमारे गुरु के इशारे पर चलती है पंडो। जिसने है बनाया दुनिया को उसको तो समझना मुश्किल है। राजा ने कहा वाह, ये गुरु भक्ति थी, जिसने है बनाया दुनिया को उसको तो समझना मुश्किल, उसको तो समझना मुश्किल है। जो तत्व ज्ञान से भरा भरा पड़ा, जो तत्व ज्ञान से भरा पड़ा उसको तो समझना मुश्किल है। नहीं समझ पाओगे रे पाखंडियों, खाने वाली चीज घी आग में जलाते हो, झूठे मंत्र पढ़ते हो, शुद्ध व्याकरण नहीं उच्चारण नहीं। हमारे गुरु को तुम समझो, ठेठ में एक लाइन सुन लो। क्या है जो गुरु न कर सकते, दुनिया की हर चीज हमारे गुरु कर सकते हैं। तुम ही बता दो कि ये क्या नहीं कर सकते हैं हमारे गुरु रविदास जी। क्या है जो गुरु ना कर सकते, हे आडंबर ही बताओ तू, बताओ हमारे क्या गुरु हैं जो नहीं कुछ कर सकते, दुनिया की सारी चीज कर सकते हैं। जो ईश्वर करता है वो हमारे गुरु रविदास जी कर सकते हैं। क्या है जो गुरु ना कर सकते है पाखंडी बताओ तुम, हीरा को परखने मिट्टी को पहचानने वाले, जौहरी के अलावा कोई हीरा की पहचान नहीं करता रे पंडो। हीरा को परखने वाले उस जौहरी को परखना मुश्किल है। Thank you.
राजगुरु कर सकते। पंडे पूरे देश भर के एकत्रित हो गए बनारस में और कहे तो हम लोग परीक्षा लेंगे आपके गुरु की। तनकी भूर काली रीड द मास्टर ठेरी का भाव बाम मोरे राम। ए भैया बुलाए जा पत्थर की प्रतिमा, बुलाए जा पत्थर की प्रतिमा, अद्भुत अजब संत का फीरो मई बुलाए जा पत्थर की प्रतिमा। सभी देश भर के आडंबरी इकट्ठा हो गए और कहे कि आपके गुरु की परीक्षा ली जाएगी रविदास की। कहे ले लो ना परीक्षा ले लो, क्या कहे सब। एक छंद है मास्टर, आजकल छंद बिरहा में लिखाती नहीं खे, सब में लिखे कहे राजा जी से। अरे वाह पन्ना जी हो, एक बार और पन्ना। सब मिलके कहे राजा जी से, प्रभु की मूर्ति रखवाओ, प्रभु की मूर्ति रखवाओ तू। वाह सब मिलके कहे राजा जी से, प्रभु की मूर्ति रखवाओ तुम। कह दो उस चमार से जाके पढ़ मंत्र प्रभु को बुलाओ, गर नहीं बुला सकता अछूत, काशी से मारी भगाओ तुम। अगर ला देगा उस मूर्ति मूर्ति को, जो चाहे दंड लगाओ। देखिए तमाशा, अपने कुछ नहीं कर सकते। एक बेईमान कहे कि एक भगवान की मूर्ति ले आकर के दूर रखी जाएगी। अगर आपके अंदर ताकत हो और आपके गुरु के अंदर, तो अपनी भक्ति से उस मूर्ति को अपने पास बुला लें। पंडा जानते थे कि क्या पत्थर की मूर्ति, हम लोगों को कहते हैं कि पत्थर में जान होता है, खुद जानते हैं कि ये कमाने का सामाजिक तरीका है। ये भिखमंगे क्या जानते हैं, पत्थर की मूर्ति रखो और तेरे गुरु रविदास ने अगर शक्ति है बुला दें। राजा कहे अगर बुला देंगे तो, पंडित ने कहा कि अगर नहीं बुलाएंगे तो, राजा ने कहा कि सर अगर नहीं बुला दिए तो, पंडों ने कहा इसी काशीनगर से डंडा से मारते 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 यहां तक भारत की सीमा है, गधा जैसे पीटते हुए आपको गुरु को ले जाएंगे। राजा ने कहा कि अगर पत्थर की मूर्ति को मेरा गुरु बुला दिए तो, उन सबों ने कहा कि आपके गुरु को हम लोग कंधे पर लेकर के पूरे हिंदुस्तान में संत शिरोमणि कह करके हिंदुस्तान में घुमाने का काम करेंगे। पंडा तो जानते थे कुछ मंत्र वंत्र तो इनको आता नहीं, साधना आती नहीं। तय हो गई बात कि कल प्रभु की मूर्ति दूर रखी जाएगी और काशी नरेश के गुरु संत रविदास जात के चबार उस मूर्ति को बुलाएंगे। आज बार रात में सोए राजा तो उदास हो गए, कैसे गुरु की मर्यादा रहेगी, बात तो चढ़ गई है। क्या गुरु भक्ति थी उस काशी नरेश के अंदर, ये नहीं देखे कि जात का चमार है आदमी है, हर इंसान बराबर है और इसमें शक्ति है।
اے بھائی گرو کی مہیما ہوتی ہے پرم پار پیار سے بول پڑے ناچے گی مورتی لے سرگم پار پیار سے بول پڑے कहा कि अरे ऐसा हो जरूर जाएगा कि हमारे गुरु की भक्ति इतनी है, सच्चा मन है कि चाहे जितनी वजनदार पत्थर की मूर्ति ले आके रख दो पंडों, हमारे गुरु बुला लेंगे। शर्त लग गई कि अपनी शक्ति से गुरुवर आज तेरी मूर्ति बुलाएंगे, पालकी पर होंगे गुरु मेरे, सब ब्राह्मण कांध लगाएंगे। ए भैया संत शिरोमणि की जय जय जयकार प्यार से बोलते, घूम बजा लेकर के शहर बजा प्यार से बोलते। मेरे दोस्तों शर्त तो लग गई, राजा को बड़ी चिंता हुई कहीं फेल न हो जाए मेरे गुरु। क्या होगा गुरु शब्द का, अगर फेल हो गए गुरु तो भेदभाव और बढ़ जाएगा, कोई भी शूद्र आदमी को गुरु नहीं बनाएगा। हे प्रभु अगर मेरे गुरु में ताकत हो तो बुलाएंगे तो आ जाना। ए भैया तन की मूर्त तनी और ही बढ़ा दे हमारे जवानी वाली। राजा सोच रहे हैं कि अरे प्रभु से बड़ी हो ले गुरु के चरण में भैया, बड़े गुरु जे भगवान अंधकार, जाके बोलो रोज रविदास से बचनिया भैया। पीतल रहे रात भइल रहे भी चाम चमक बलिला, अथवा में चाम चमक बलिला। राजा जाके प्रणाम किए, सवेरा हुआ ब्राह्मण कृष्ण की मूर्ति ले जाकर के 200 फीट पर रख दिए पन्नालाल, इतनी दूर रख दिए ये भूसुके न पहिहाई, रविदास का न कोई सिंगार न पठार न दिखावा। चाम की कठौती और उस कठौती में हाथ पर चाम ले लिए, बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं। ए भैया हो भैया हो, सौ मीटर दूर पर मूर्ति रखाइल भैया, 200 मीटर दूर ले जाकर के ब्राह्मण कृष्ण की मूर्ति रख दिया। वो कहे राजा अपने गुरु से कहो मूर्ति को बुला दे,
ये भैया रविदास मुस्कुराए पन्ना लाल, थोड़ी देर तो चुप रहे, मूर्ति नहीं डोली। ब्राह्मण सब डंडा जुटाने लगे कि गदहा जैसे मार करके पूरे भारत की सीमा से हम लोग भगा देंगे चबार को। जब 20 मिनट बीत गए, राजा भी अधीर होने लगे। कहा रविदास जी ने कि कृष्ण, अरे का बाटब मा हमारी वरिया चिहाई के, आजा मोरे राजा, आजा मोरे राजा, मीठी बसुरी बजा। अरे कृष्ण कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, अगर नहीं आओगे प्रभु तो बेच दी है पंडित ई तोहरा के बाजार में, खालन मोटालन खाली तो हसे रोजगार में। हे प्रभु, ओ हो, अरे चाहे डुबा दो कन्हैया जी, चाहे डुबा दो, चाहे चलो मुस्कुराए के आजा मोरे राजा, मीठी बसुरी। शक्ति है रे ब्राह्मणवादियों, एक घंटा बीत गया नहीं मूर्ति आई, इसलिए कि उन्होंने अभी कहा था कि देखिए आपको ये पंडा बेच देंगे, हिंदुस्तान को पाखंड में डुबा देंगे। प्रभु एक बार बड़े प्रेम से मुस्कुरा के, जो कठौती थी एक हाथ में, एक हाथ में चाम, अरे जितनी बार ठक ठक चाम बजावे, एक बेर ठक, दो बेर ठक, तीन बेर ठक, चार बेर ठक 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 ठक, जितनी बेर ठक ठक श्याम उतने फल मूर्ति अब आ गया। जितनी बार ठक ठक श्याम के बजा, अरे ठुमुकी ठुमुकी मूर्ति उतने फल गया। करते जय जयकार पंडा, अब तो ये शर्त थी ना, पालकी पर बैठाए, जब आप ताकतवर हो जाएंगे तो ये फुसिलाते बहुत अच्छे से हैं। थोड़ी देर के लिए मान लिए कि मुंह कैसे छिपाएंगे, अरे भाई ठीक है, एक आध बार मदारी भी ऐसा कर देते हैं फिर हम लोग देखेंगे, लेकिन अब शर्त थी, अरे इस मूर्ति गोद में तो बैठी मुस्कुराई गए, अरे करते जय जयकार पंडा बना घुमाई।
गुरुवर देव राम भैया गुरुवर देव राम।